सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुहेल अंसारी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुहेल अंसारी से खास बातचीत की कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल ने। मौजूद हैं कानपुर कैंट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुहेल अंसारी जी, उनसे बात करते हैं। सुहेल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन अगर कैंट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, ऐसे में गठबंधन का क्या होगा? ऐसा ये तो गठबंधन ऊपर लेवल के जो भी नेता लोग हैं, गठबंधन तो उन्होंने तय किया है, सिंबल जिन्होंने दाखिल किया ये ऊपरी के नेताओं का देखेंगे, उससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे आपके चुनाव पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सपा के प्रत्याशी भी खड़े हो गए हैं? सपा के प्रत्याशी क्या है, ये तो गठबंधन में सीट कांग्रेस की गई है, अभी प्रदेश नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा, उनका सिंबल मिलेगा तो प्रदेश नेतृत्व जो भी कहेगा वही होगा। लास्ट चुनाव जो मैंने लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के, उसमें 27,000 वोट पाए थे कांग्रेस की, वहाँ पे कांग्रेस का जो है वोटर बहुत संख्या में है, कोई भी वोटर हो सर्व समाज का वहाँ कांग्रेस का वोटर है, और वहीं से अपने को विजय मिलेगी। आप पहले दूसरी पार्टी में रहे थे, आप बसपा से प्रत्याशी थे, उसके बाद आप कांग्रेस में आए, क्या कारण थे, क्या नीतियाँ थी जिनके आधार पर आपको लगा कि नहीं बसपा छोड़ के कांग्रेस में आना चाहिए? अब उनकी नीतियाँ अलग है, कांग्रेस की अलग है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टीज है तो बहुजन समाज भी नेशनल पार्टीज, लेकिन जो है जो मतलब जो 125 साल पुरानी पार्टी है उसमें बहुत अंतर है। कांग्रेस हमें बेहतर लगी, मैं उसी में चला गया। ऐसा उस क्षेत्र का विकास तो बिल्कुल जैसे 5 साल पहले था वैसा ही अभी भी है। अभी जो सोसाइटी एरिया है कानपुर मतलब छावनी का, जैसे श्याम नगर है, और श्याम नगर में सोसाइटी एरिया बहुत बड़ा है, जहाँ सीवर लाइन की समस्या है, कोई रोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है। एक स्वास्थ्य की जो समस्या है छावनी विधानसभा में बहुत बड़ी है, जो छावनी का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो आता है उसमें स्वास्थ्य की भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये थे सुहेल अंसारी जी, जिनका ये कहना था कि इनके पास 3 मुद्दे हैं, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, और इसी आधार पर वो जनता के सामने जा रहे हैं और इस पर वोट मांगेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस कानपुर।